हाय गाइस, फीमेल क्रिकेट के आईसीसी वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर के कवरेज में आपका स्वागत है। इसमें हम आईसीसी वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर के सारे मैचेस और उनकी फैंटेसी 11 को डिस्कस करेंगे। तो आज इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ दो गेस्ट मौजूद हैं, यजाद और अंकित। दोनों ही फीमेल क्रिकेट्स को बहुत करीबी से फॉलो करते हैं एंड बहुत ही जीले सपोर्टर हैं फीमेल क्रिकेट के। सो अब हम बात करते हैं आज के टॉपिक पे, जो कि 12th मैच यूएई और नेदरलैंड्स के बीच होगा। उससे पहले मैं आपको फॉर्मेट बता देती हूँ इस क्वालिफायर टूर्नामेंट का। तो इस टूर्नामेंट में 10 टीम्स पार्टिसिपेट करेंगी, जिसमें उनको दो ग्रुप्स में बांटा गया है। ग्रुप ए में श्रीलंका, युगांडा, द यूनाइटेड स्टेट्स, थाईलैंड और स्कॉटलैंड है। ग्रुप बी में यूएई, आयरलैंड, नेदरलैंड्स, वनुआटू और जिम्बाब्वे हैं। दोनों ही ग्रुप्स की टॉप टू टीम्स आपस में सेमीफाइनल्स खेलेंगे, फिर उनमें से जो फाइनल्स के लिए प्रोसीड करेंगे वो दोनों फाइनल वाली टीम्स टी20 वर्ल्ड कप जो बांग्लादेश में होने वाला है उसके लिए क्वालिफाई करेंगे। सो लेट्स गेट टू द टॉपिक। 12th मैच यूएई वर्सेस नेदरलैंड्स, जो कि ग्रुप बी की दोनों टीम्स हैं, ये मैच 9 बजे 29 अप्रैल को अबू धाबी के जैद स्टेडियम में खेला जाएगा। यूएई का जो अभी फॉर्म रहा है वो अपने दोनों ही मैचेस हारे हैं इस टूर्नामेंट में, आयरलैंड और जिम्बाब्वे, तो इनको अच्छी शुरुआत अभी नहीं मिल पाई है। पर नेदरलैंड्स ने वनुआटू को हरा के अपना वो फर्स्ट पॉइंट रजिस्टर किया है। सो अंकित, आपका क्या कहना होगा यूएई और नेदरलैंड्स के इस कॉन्टेस्ट पर? फर्स्टली हाय गजाद एंड प्रशस्ति, एंड जो आपने सवाल पूछा, तो उस लिहाज से यूएई ने दोनों मैचेस हारे और अभी हार गए, तो फिर एक सवाल आप मन आप पूछते रहते हो कि अभी नहीं तो फिर कभी। अभी ये सारे जो मैचेस आएंगे वो डू और डाई के पॉइंट ऑफ व्यू से खेलने पड़ेंगे, बिकॉज इनके आगे ऑलरेडी ये तो सबसे बॉटम ऑफ द टेबल है, तो फिर अभी तो बहुत बड़ी एक लैडर लिटरली चढ़ना है उनको अगर उनको टॉप पे फिनिश करना है। और तो यहाँ से हर मैच क्रूशियल है, हर मैच आपको उस लिहाज से खेलना पड़ेगा कि ये आपका भविष्य तय करेगा इस क्वालिफायर्स की बात करें तो। और ये तो होम मैचेस है, तो आई एम वेरी सरप्राइज कि ऐसा प्रदर्शन देखने मिल रहा है कि आप मैचेस नहीं जीत रहे। ऑब्वियसली दो ही मैचेस हुए, लेकिन लाइक 5-6 मैचेस खेलते हो, उसमें से अगर आप 2 मैचेस हार गए हो तो फिर आप बॉटम ऑफ द टेबल में ही रहते हो, तो खाता खोलना पड़ेगा। और आई थिंक ये अच्छा सुनहरा मौका है उनके पास कि नेदरलैंड्स हालांकि अच्छी टीम है, वो अपना एक पहला मैच जीती है, उनकी निगाह रहेगी कि टॉप ऑफ द टेबल कैसे आना है, बिकॉज ये जो ग्रुप बी है आई थिंक ये थोड़ा क्लोज हो सकता है मेरे हिसाब से, और नेट एंड इट विल बी इवेंचुअली द डिफरेंशिएटर फॉर द टीम। सो उस लिहाज से एक बहुत अच्छा मौका है कि जो सामने वाली टीम हो वो दोनों मैचेस हारी है, तो फिर वो चाहेंगे कि अब वो दो अपने दोनों मैचेस जीत जाए, एक ऑलरेडी जीता है नेदरलैंड्स ने, एक और जीतने की उनकी कोशिश रहेगी। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि दोनों टीम्स अपना फुल फोर्स लगाएंगे इस पॉइंट को लेने के लिए। अब इनका अगर हेड टू हेड बात करें तो यूएई इस समय एक लीड पे है, उनका 1-0 उनसे रहा है एंड एक का रिजल्ट नहीं आया था। तो इस यूएई भले अपने दोनों मैचेस हारे हैं टूर्नामेंट के, बट नेदरलैंड्स के खिलाफ वो एक जीत ऑलरेडी अपने नाम दर्ज कर चुके हैं, तो काफी इंटरेस्टिंग होगा। एंड रीसेंट फॉर्म भी यूएई का ब्रिलियंट रहा है, उन्होंने 10 में से 7 मैचेस जीते और बहुत ही विनिंग स्ट्रीक रही है उनकी 7 मैचेस की, तो उनका काफी एक अच्छा कमबैक देखने को मिल सकता है इस आने वाले मैच में। और नेदरलैंड्स का भी रीसेंट फॉर्म, 5 मैच उन्होंने जीते और 5 मैच उन्होंने हारे हैं, तो अब देखते हैं कि ये दोनों साइड्स कैसे फ्लरिश करते हैं। तो अब बात करते हैं इनके की परफॉर्मर्स की। तो फर्स्ट हमारी रहेंगी कविशा एगोडे, जो कि यूएई की प्लेयर हैं। इनके अगर 2023 का रिकॉर्ड हम देखें तो 30 T20I मैचेस इन्होंने खेले हैं, जिसमें 762 रन्स इन्होंने बनाए हैं और 18 विकेट भी साथ ही साथ इन्होंने लिए, तो काफी ओवरऑल एक अच्छी ऑलराउंडर है ये। इनका 69 बेस्ट का एक स्कोर भी रहा है। तो यजाद, आपका इनके फॉर्म पे क्या कहना होगा? आई थिंक थोड़ा फॉर्म तो अभी नहीं रहा है व्हाट यू वुड हैव एक्सपेक्टेड फ्रॉम अ यूएई पॉइंट ऑफ व्यू, कि दोनों मैच अभी तक जो है उसमें हमने थोड़ा पुअर परफॉर्मेंस देखा उनसे, कि पहले मैच में आई थिंक केवल 3 रन बनाए थे और दूसरे मैच में 23 या 24 रन बनाए थे कुछ,
और विकेट्स की बात करें तो दो मैच मिलाकर एक विकेट मिले है, तो आई थिंक इट इज टाइम शी स्टेप्स अप फॉर हर टीम, क्योंकि अगर आप देखो फ्रॉम अ यूएई पर्सपेक्टिव, इफ दे आर टू क्वालिफाई फॉर द सेमीफाइनल्स, एक मस्ट विन मुकाबला है ये, और आई थिंक वो विक्ट्री दर्ज करना अंडर होम कंडीशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड आई थिंक वंस यू गेट दैट फर्स्ट विक्ट्री वो थिंग्स स्टार्ट फॉलिंग इनटू प्लेस, क्योंकि वो एक ब्लॉक रहता है मेंटल ब्लॉक की यार वो विक्ट्री नहीं आ रही है, एंड एज सून एज यू गेट दैट विक्ट्री वो थिंग्स स्ट्रीमलाइन हो जाती है आई बिलीव, यू नो थिंग्स स्टार्ट गोइंग योर वे, और फिर थोड़ा मोमेंटम भी बनता है टीम में। जी वो कोशिश करेंगे कि वो मोमेंटम क्रिएट कर सके अपनी साइड के लिए। सो अब नेक्स्ट प्लेयर पे बढ़ते हैं, नेदरलैंड्स की रॉबिन रिजके की जो मैं बात करना चाहूंगी। 2023 से इनका 17 मैचेस का रिकॉर्ड रहा है जिसमें 23 विकेट्स इन्होंने लिए हैं, एक 4-4 ले चुकी हैं इससे पहले, 4-7 का इनका रिकॉर्ड है। सो अंकित इनके की परफॉर्मेंस पे एज अ की प्लेयर पे आपको क्या बोलना चाहेंगे? इनकी रिसेंट फॉर्म बहुत अच्छा है, एंड भले वो पिछले मैच में विकेट लेस गई थी लेकिन टीम जीती थी, तो मेरे हिसाब से एंड यूएई की जो बैटिंग है ना, आई थिंक मुझे तो बहुत साधारण लगी है दोनों डिपार्टमेंट्स, तो यूएई के बैटर स्ट्रगल करेंगे और अगर आपने क्वालिटी बॉलिंग किया तो एक पीछे से असिस्ट करने वाली है बॉलर्स के लिए, तो अच्छे लेंथ लाइन पे डालना बहुत जरूरी है, एंड मुझे नहीं लग रहा कि यूएई बैटर्स के पास वो काबिलियत तो डेफिनेटली है, लेकिन अभी जो करंट फॉर्म है वो भी आपके फेवर में नहीं जाता, और ऐसा कभी कभी होता है कि आप अच्छा क्रिकेट खेल रहे हो स्टिल यू एंड अप बीइंग ऑन अ लूजिंग साइड, या फिर आपके बैटर्स अच्छा शॉट खेल के भी आउट होते हैं, तो उस लिहाज का बैटिंग हमें देखने मिल रहा है यूएई से, तो साधारण बैटिंग है सामने, तो एक बार भी फिर वो चाहेंगे कि ये जो फॉर्म जो कैरी करे वो फॉर्म को आगे भी कैरी करे, बिकॉज आगे और क्रूशियल मैचेस आएंगे जहाँ पे आप आपका गेम अपग्रेड करना चाहते हो, तो उस लिहाज से ये एक बहुत अच्छा मैच है कि वो जो विकेट लेस गई थी पिछले मैच में, इस बार वो विकेट्स इनके खाते में हो यूएई के अगेंस्ट। जी वो एक्सपेक्ट करेंगी एक अच्छे कमबैक का, हमने देखा है उनका रिकॉर्ड, शी इज बीन गुड विद द बॉल, सो वो उस चीज को मेंटेन करना चाहेंगी। सो अब बात करते हैं की मैचअप्स की, तो फर्स्ट की मैचअप हमारे पास नेदरलैंड्स की स्किपर हेदर सिजर्स का है, जो कि T20 आईज में उनका ओवरऑल औसतन स्कोर जो है वो 19 के करीब रहता है, पर एक राइट आर्म स्पिनर को जब वो फेस करती हैं तो वो 12 तक गिर जाता है, तो काफी एक डिफरेंस है ऐसा राइट आर्म स्पिनर के खिलाफ इनका, तो यजाद आपका क्या कहना होगा इस स्किपर के इस परफॉर्मेंस पर कि वो इस चीज से ओवरकम कर सकती है, कैसे कर पाएंगी? बिल्कुल जैसा कि आपने स्टैट्स दिखाए कि अराउंड 20 एवरेज है उनका ओवरऑल, बट राइट आर्म स्पिन खेलते वक्त वो 12 के आसपास ड्रॉप हो जाता है, तो एक थोड़ा स्ट्रेसफुल मोमेंट हो सकता है शायद, मैं कहना चाहूँगा थोड़ा परेशानी हो सकती है कंसिडरिंग द नेचर ऑफ द विकेट, जैसा कि हमने देखा है इट्स असिस्टिंग द स्पिनर्स, और थोड़े अच्छे स्पिनर्स है यूएई के साइड में, जैसे सुरक्षा कोटे है, कविशा इगोडागे है, ईशा ओजा है और वैष्णवी महेश है, तो आई थिंक कल का मैच इतना आसान नहीं होने वाला है हैदर के लिए, थोड़ा उन्हें मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा उन्हें शी हैव टू डिग इन एंड डू द हार्ड यार्ड जैसा हम बोलते हैं, तो आई थिंक इट्स नॉट गोइंग टू बी सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड कि आप वहाँ जाओ रन बनाओ, शी इज गोइंग टू बी मेड टू वर्क हार्ड फॉर हर रन आई थिंक बाय द यूएई बॉलर्स। या वी एक्सपेक्ट कि वो अच्छा रन बनाए एंड जो डिफिकल्टी अगर वो फेस करती है तो उस चीज से ओवरकम कर सके। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू अनदर मैचअप जो वैष्णवी महेश का है जो यूएई के बॉलर हैं, इनका 78 विकेट्स का ओवरऑल का रिकॉर्ड रहा है जिसमें 65 विकेट्स उन्होंने बैटर्स को तब आउट किया है जब वो 20 रन से कम रन पर थे, तो ये एक इंटरेस्टिंग मैचअप है अंकित, तो आपके प्लीज मैं व्यूज जानना चाहूंगी इस पर। देखिए अच्छी बात है कि आप बैटर्स को सेटल होने नहीं दे रही हो, बट अभी जो फिलहाल की यूएई की स्थिति आई थिंक वो भी चाहेंगी कि ये जो फॉर्म कैरी करे जो आंकड़ा है वो और बेहतर हो, वो 65 की जगह और आप 3-4 विकेट ऐड करना चाहोगे, और उस तरीके का प्रदर्शन चाहिए कि आपको एक ऐसा प्रदर्शन चाहिए कि जो आउटक्लास कर दे टीम को एंड स्टैंड आउट टीम, एंड हमने इस फॉर्मेट में देखा है कि कभी कभी होता है कि
पूरी टीम नहीं चलती, लेकिन वो एक ऐसी प्लेयर होती है जो आपकी टीम के लिए मैच जिता देती है, एंड आई थिंक शी कैन बी दैट प्लेयर बॉलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर बॉलिंग क्लिक कर गई और अगर यूएई के बैटर्स ने सपोर्ट किया तो वो कॉम्बिनेशन चल के यूएई कैन गेट ऑफ द मार्क, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम देयर पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि फिलहाल बॉटम ऑफ द टेबल है और अगर और एक मैच हारती है तो फिर तो कहानी समाप्त हो जाएगी। जी, यूएई नीड्स टू गेट बैक ऑन द ट्रैक एज यू मेंशन। सो नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द फैंटेसी 11 ऑफ यूएई वर्सेस नेदरलैंड्स। जी हाँ, तो अगर हम विकेट कीपर्स और बैटर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यहाँ पे हमने नेदरलैंड्स के कीपर को दिया डी लिली, जो है आई थिंक यूएई की बैटिंग बहुत साधारण रही है, तो विकेट कीपर पॉइंट ऑफ व्यू से तो पॉइंट्स मिल सकते हैं और बॉलिंग भी उतनी धार नजर नहीं आई है, तो अगर ये अच्छे फॉर्म में होती है तो रन बना के ये आपको क्रूशल 40-50 पॉइंट्स दे सकती है एज अ विकेट कीपर। उसके अलावा कैलिस जो कलिस है आपके पास जो आयरलैंड की माफ करिएगा आई थिंक जो नेदरलैंड्स की बैटर है, तो वो भी पॉइंट्स आपको दे सकती है बिकॉज पिछले मैच में भी अच्छे रन्स बने थे इनके। और अगर हमारी कैप्टनसी की चॉइस है कि तो यहाँ पे हमने ईशा ओझा को लिया है जिन्होंने पहले मैच में अच्छी गेंदबाजी करी थी और बैटिंग भी अच्छी करती है, तो उस लिहाज से आपको क्रूशल ऑलराउंडर के पॉइंट ऑफ व्यू से पॉइंट देती है, जो विच कैन बी मिक्स अप एज अ कैप्टन एंड आपकी डिफ्रेंशिएटर हो सकती है इन टर्म्स ऑफ कैप्टनसी ऑप्शंस। एंड उसके अलावा खुशी शर्मा वो भी एक अच्छी प्लेयर है, पिछले मैच में उन्होंने पॉइंट्स दिए थे, तो क्रूशल 30-40 पॉइंट्स आपको ये बैटर्स दे सकते हैं और उसमें ईशा ओझा आपकी कैप्टन हो सकती है। ऑलराउंडर्स की बात करूंगा तो मैंने यहाँ कविशा को लिया है और मैंने नेदरलैंड से आयरिस ज्वेलिंग को लिया है जिनको मैंने वाइस कैप्टन बनाया है, और रॉबिन राइच को लिया है जैसा कि हमने डिस्कस किया कि वो काफी की प्लेयर है फ्रॉम अ नेदरलैंड्स पर्सपेक्टिव, तो ये हमारे ऑलराउंडर्स थे। नेदरलैंड से मैंने दो बॉलर्स को लिया है, एवा लिंच जो कि राइट आर्म ऑफ ब्रेक बॉलर हैं और कैरोलिना जो कि लेग ब्रेक बॉलर है, ये दोनों काफी अच्छा नेदरलैंड्स के लिए परफॉर्म कर सकती हैं। एंड यूएई से मैंने हीना जो कि लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर हैं उनको, और वैष्णवी महेश जिनकी अभी हमने बात करी थी वो राइट आर्म लेग ब्रेक बॉलर है, इनको लिया है। सो गाइज, दिस वॉज आवर फैंटेसी 11 फॉर यूएई वर्सेज नेदरलैंड मैच 12। नाउ गाइज, इट्स टाइम फॉर प्रेडिक्शंस। आपको क्या लगता है नेदरलैंड्स और यूएई का जो जैसे हेड टू हेड मैंने पहले बताया था 1-0 का है, वो 1-1 हो सकता है या फिर 2-0 से यूएई वो कम बैक कर सकता है इस टूर्नामेंट में? मुझे तो लग रहा है कि कंसिडरिंग द करेंट फॉर्म ऑफ द टू टीम्स, आई थिंक नेदरलैंड्स विल रजिस्टर देयर सेकेंड विक्ट्री ऑफ द टूर्नामेंट एंड एक्सटेंड देयर लीड एट द टॉप ऑफ द टेबल, ऐसा मुझे तो लग रहा है। बट आई थिंक यूएई इन होम कंडीशंस कैन नॉट बी रूल्ड आउट, एंड कंसिडरिंग द अमाउंट ऑफ स्पिनर्स दैट दे हैव ऑन द स्पिन असिस्टिंग सर्फेसिस, आई थिंक यूएई कुड पुट अप अ टफ फाइट एज वेल इन होम कंडीशन। बट मुझे ऐसा पर्सनली लग रहा है कि नेदरलैंड शायद बाजी मार ले इस मुकाबले में। जी, नेदरलैंड से भी यही उम्मीद रहेगी कि वो जो होम टीम है उनको हराए एंड वो अपनी सेकंड विक्ट्री रजिस्टर कर पाए इस टूर्नामेंट में। अंकित, व्हाट आर योर व्यूज ऑन दैट? मेरे हिसाब से यस, नेदरलैंड्स ने वो मैच जीता है, लेकिन उम्मीद पे पूरी दुनिया कायम है, तो मेरे हिसाब से यूएई को यही उम्मीद करनी पड़ेगी कि इस मैच में इनकी वापसी हो। और घरेलू कंडीशन से जिया आपने हारा है, लेकिन उसके पहले आपने अच्छा क्रिकेट खेला था क्वालिफायर्स से पहले, वार्म अप मैचेस भी आपके डिसेंट गए थे, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहिए। खुद की टीम को बैक करना पड़ेगा, पूरे यूनिट को अपने प्लेयर्स के लाइक वो बॉडी लैंग्वेज में भी दिखना चाहिए आपका वो कॉन्फिडेंस। आपको ऐसा नहीं दिखना कि आपने दो मैचेस हारे, क्योंकि मैचअप्स में तो दोनों टीम्स ने एक दूसरे के हमने मैचेस जीते हैं, तो वही लिहाज ये होम कंडीशंस है, यू आर यूज्ड टू इट, जस्ट ये मोमेंटम चला गया पिछले दो मैचेस से, वो जो मेरे हिसाब से वापसी कर सकती है और इनके पास है, इनकी कप्तान खुद बड़ी अच्छी प्लेयर है, तो अगर सब कुछ क्लिक कर गया तो मेरे लिहाज से यूएई के पक्ष में मैच जा सकता है। जी, यूएई ने काफी अच्छा इवन अपना प्रदर्शन दिया है, पहले भी एसीसी प्रीमियर कप के वो चैंपियंस रहे थे तो उनका काफी अच्छा बैटिंग रहा है, बट ऑब्वियसली नेदरलैंड्स ने एक मैच जीता है तो उनका भी फॉर्म काफी ग्रेट है इस टूर्नामेंट के स्टार्ट में। सो लेट्स सी कि इनमें से कौन जीतता है एंड ये मैच का क्या रिजल्ट आता है। एंड मैं व्यूअर्स को भी रिक्वेस्ट करूंगी कि आप ही कमेंट में हमें बताइए कि यूएई और नेदरलैंड्स में आपके लिए कौन विनर नेक्स्ट मैच में हो सकता है। एंड टू नो अबाउट द प्लेयर्स,
हमारी वेबसाइट आप विजिट कर सकते हैं, लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, उसमें सारे प्लेयर के प्रोफाइल्स मेंशनड है, सो काइंडली हैव अ लुक देयर एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू फीमेल क्रिकेट एंड प्लीज हिट दैट बेल आइकन. थैंक यू.